हरदोई के कछौना में श्री जानकी प्रसाद इंटर कॉलेज में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मुलाकात करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा, जितने काम भाजपा ने किसानों के लिए और गरीबों के लिए किए हैं उसकी कभी कल्पना भी सपा ने नहीं की होगी। इसके कारण वो ऐसे तथ्यहीन बयान दे रहे हैं। जितिन प्रसाद ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जितनी भावना लोगों को है, जितना सम्मान लोगों में है, किसी नेता में नहीं है। उनकी एक आवाज पर देश एक हो जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश जिस दौर में गुजर रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में ही हम लोगों के आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हैं। कहा कि भाजपा ही हम लोगों के हितों की रक्षा और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। ट्वीट किया है कि अन्नदाताओं का खाया है और उन्हीं पर वार कर रहे हैं, अब की 2022 में उनकी थाली में छेद होगा और बदलाव होगा। जहाँ तक उनका मतलब है, मुद्दा विहीन है। जितना लाभ और जितना इतनी योजनाएं अन्नदाताओं के लिए हो रही, किसानों के लिए हो रही, पेमेंट से लेके धान खरीद से लेके और गरीब आदमी तक अंत्योदय तक जो योजनाएं चल रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी द्वारा हो रही हैं, जो उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी समाजवादी पार्टी ने, और इसी ईर्ष्या के वर्ष प्रति वो उल जुलूल ये बयान दे रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews.